हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशमा आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफी अंतराल बाद मैं अपने चैनल पर उपस्थित हुई हूँ और एक बेहतरीन किताब के साथ, जिसका नाम है भली लड़कियाँ बुरी लड़कियाँ। भली लड़कियाँ बुरी लड़कियाँ एक उपन्यास है जिसकी लेखिका है अनु सिंह चौधरी। 2019-23 जनवरी को इस उपन्यास का प्रकाशन हिंदी युग्म द्वारा हुआ था और ये काफ़ी समय पश्चात मुझे मिली है, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन जितनी भी देर में मिली हो, लेकिन बहुत जल्दी फटाफट मैंने इसे पढ़ा है। बहुत ही काफ़ी नज़दीक से मैंने इस किताब को महसूस किया और इसके बारे में बताने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनु सिंह चौधरी जी का यह उपन्यास में केंद्र रूप से दिल्ली शहर है और दिल्ली में पढ़ाई और अपना करियर का सपना लेकर आई हुई लड़कियां। उपन्यास का प्रारंभ पूजा प्रकाश से होता है, जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली पढ़ने आई है, जिसकी आयु है 18 वर्ष। उसका सपना था कि IPS बने और यह सिर्फ उसका ही सपना नहीं है, उसकी अम्मा यानी दादी का भी सपना होता है। उसके माता पिता घर से बाहर रहकर काम करते हैं, इस कारण से वो अपने माता पिता के मोह से अनजान थी। उसके लिए उसका संसार ही उसकी अम्मा यानी दादी थी और अपनी अम्मा का सपना पूरा करने के लिए वो दिल्ली पढ़ने आई। इस अनजान शहर में पूजा को PG ढूंढने में विकास मिश्रा मदद करता है, जो संस्कृत से ऑनर्स कर रहा है, और उसी की बदौलत पूजा को दिल्ली में PG मिली। PG की हालत देखकर पूजा विकास मिश्रा पर बड़क उठती है, लेकिन पूजा के पास PG में एडजस्ट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। पूजा के अलावा उस PG में ऑलरेडी 3 लड़कियां रहती थी, जिनका नाम है सैम, देवजानी घोष और मेघना। सैम से मिलने तो उस PG में लड़के दोस्त भी उसके आया करते थे, यह सब पूजा के बर्दाश्त से बाहर था। सैम के दोस्तों में संदीप मेहता भी था, जिससे धीरे धीरे पूजा प्रेम करने लगती है, लेकिन संदीप मेहता उसे बिस्तर तक पहुंचाकर छोड़ देता है। यहीं से पूजा के मन में काफी सारे सवाल संदीप के प्रति उठते हैं और इन सभी सवालों का जवाब वो संदीप से चाहती है, लेकिन संदीप का कोई अता पता नहीं होता। ना ही संदीप की तरफ से कोई कॉल आता है और ना ही कोई मैसेज, और पूजा अपने आप को संदीप के नंबर पर ब्लॉक लिस्ट में पाती है और संदीप को ढूंढने निकलती है। संदीप उसे मिल तो जाता है, लेकिन संदीप द्वारा उसे सिर्फ और सिर्फ अपमान ही मिलता है। संदीप की घिनौनी बातें सुनकर वो संदीप को जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन संदीप द्वारा पूजा को मारा गया थप्पड़ उसे सड़क के बीचों बीच बेहोशी के हालत में पहुंचा देता है। और उसे बेहोशी के हालत में पाकर कुछ दरिंदे उस पर अत्याचार कर देते। छोटी सी उम्र में प्यार में पाया गया धोखा और साथ ही इस उम्र में उसके साथ जो अत्याचार हो जाता है, उन सब बातों को वो किस प्रकार सहती है, ये सब आपको इस उपन्यास को पढ़ने पर ही पता चलेगा। दोस्तों, पूजा फिर से खड़ी हो जाती है, केवल और केवल अपने दोस्तों की मदद के वजह से। वो दोस्त जो PG में उसके साथ में थे, और उन्हीं 3 सहेलियों की वजह से, उन्हीं 3 मित्रों की वजह से ही पूजा फिर से खड़ी होती है। और समाज में वास्तव में जिन्हें हम बुरी लड़कियां समझते हैं, वो वास्तव में उसकी पक्की साथी निकलती। PG में साथ रहने वाली लड़कियों की वजह से ही पूजा में फिर से एक हौसला जगता है, और वो हौसला उसे संदीप और उसके साथियों को पीट कर ही दम लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस उपन्यास में जो PG की 3 लड़कियां हैं, सैम, देवजानी घोष, मेघना, इनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, इनके अपने अलग अलग सपने हैं। और वास्तव में ये लड़कियां बुरी नहीं हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारी तरह आम लड़कियां हैं। उनके सपने भी कुछ बनने के हैं, कुछ साबित करने के हैं, लेकिन समाज उन्हें बुरी लड़कियों की नज़र से ही देखता है। यही बात हम तक लेखिका पहुंचाना चाहती है। दोस्तों, इस उपन्यास के प्रारंभ में मुझे ऐसा लगा कि पूजा प्रकाश ही इस उपन्यास की नायिका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपन्यास अंत होते हुए आपको पता चलेगा कि 4 लड़कियां इस उपन्यास की मुख्य पात्र हैं, इन्हीं के ऊपर एक सारा उपन्यास खड़ा। इस उपन्यास से पहले अनु सिंह चौधरी जी ने यह कहानी द गुड गर्ल शो सीरीज के लिए कहानी लिखी थी और उसका निर्देशन भी किया था।
आपको यह वेब सीरीज द गुड गर्ल शो यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोस्तों, इस उपन्यास में आपको यूनिवर्सिटी में होने वाली राजनीति का भी जिक्र है और किस प्रकार इंटरनेट की वजह से हम फेमस हो जाते हैं और बदनाम हो जाते हैं, इसका भी जिक्र मिल सकता है। और इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि समाज में कहीं ना कहीं बुरी लड़कियों का होना भी अनिवार्य है। और इस उपन्यास को आप बहुत जल्दी पढ़िए क्योंकि इस उपन्यास में बहुत ऐसी आपको मोटिवेट करने वाली पंक्तियाँ मिलेंगी और वाक्य मिलेंगे, और मुझे भी काफ़ी सारे वाक्य पसंद आ गए हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। आप देखिएगा और उसे देखने के पश्चात आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते रहिए और किताबों के बारे में लोगों को बताइए, और उनमें भी किताबों के प्रति एक प्रेम जगाइए। और अगली किताब के साथ फिर से हाजिर होंगी। धन्यवाद।